जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। देखो यारो, आईफोन्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो मिस मत करना। यही समय होता है जहां पर एक एंड्रॉइड यूजर एक आईफोन यूजर बन जाता है। आईफोन 13 50-55,000 रुपए के आसपास मिलेगा, तो तैयार रहना उस ऑफर के लिए। और खास के आईफोन 12 तो बहुत बिकने वाला है, मैं जानता हूं। तो भाई कुछ ऑफर्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। मुझे पता है मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको सारे डील्स ऑफर्स, लेकिन 23 तारीख को सेल चालू हो रहे हैं यार, तो इतने जल्दी बताने से क्या मतलब है। ठीक है, तो तुम लोग अपना नजर गड़ा के रखना अच्छे अच्छे ऑफर्स के ऊपर। और तुम लोग कमेंट्स करते हो यार अच्छे अच्छे ऑफर्स को लेकर, मेरे को भी बहुत लालच होता है कि मैं भी ले लूं, लेकिन जेब में पैसा ही नहीं है। तो भाई साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुम मैं हम सब लोग इस चीज को फील करते हैं कि आजकल Realme कोई भी अपने फोन्स को लॉन्च करता है, चाहे किसी भी प्राइस कैटेगरी का हो। वहां पर Xiaomi, Redmi, Poco के फोन्स भी होते हैं जो कम प्राइस पे अच्छे स्पेक्स दे देते हैं। Realme पहले क्या करता था, उनके जैसे नेक टू नेक प्राइसिंग रखने का कोशिश करता था और उनसे अच्छे स्पेक्स देने का भी ट्राई करता था, लेकिन आजकल Realme ये काम नहीं कर रहा है। अब तो IQ वो काम करता है यार, सोच के देखो। तो Realme C30s लॉन्च हो चुका है, 7,500 रुपए का इसका प्राइस है 2GB रैम के साथ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे Realme इतने एंटी लेवल के फोन्स को क्यों लॉन्च कर रहा है। Realme ने Narzo 50i प्राइम लॉन्च किया 13 तारीख को, 14 को लॉन्च कर दिया C30s Redmi A1 से भिड़ने के लिए। अच्छा, उस फोन से भिड़ने के लिए Realme अपने दो फोन्स को लॉन्च कर दिया, लेकिन गलती कहां किया, प्राइसिंग रखते वक्त। 50i प्राइम 8,000 रुपए से शुरू होता है, C30s शुरू होता है 7,500 रुपए से। क्यों भाई, 6,000 रुपए प्राइस नहीं रख पा रहे थे, लेकिन नहीं, हमको तो ओप्पो का हवा लग गया है। खैर, इन दोनों फोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। और स्पेक्स भी अच्छे नहीं है। Tekken 8 का ट्रेलर फाइनली बाहर आ चुका है यारो, और इस गेम के साथ तो अपना नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। बचपन में Tekken के गेम्स हम सब लोग खेले हैं। वैसे आप कमेंट करके बताना आप Tekken के कौन से गेम को सबसे ज्यादा खेले हो। मैं अगर कहूं तो मैं Tekken 3 को बहुत ज्यादा खेला था। हालांकि मेरे घर में कंप्यूटर और कंसोल्स तो नहीं थे, मैं बाहर साइबर कैफे में जाके खेलता था। पुरानी यादें ताजा हो गई। वैसे इस बारी जो Tekken 8 आया है बहुत ही तगड़े ग्राफिक्स के साथ आया है, जो प्लेयर्स के फिजिक्स हैं वो काफी अच्छे हैं, और जो भाई एनिमेशंस हैं जो हम लोगों को ग्राफिक्स दिखाई जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डार्क है और बहुत ज्यादा हम लोगों को कह सकते हो डार्क वाइब्स देते हैं। डर एकदम एहसास दिखाई देता है कि भाई मेरा प्लेयर गिर गया, चोट लग गया, अब भाई मेरे को भी वैसा फील होने लगता है। मतलब कि इतना तगड़ा यहां पर हम लोगों को एसेंस देखने को मिल जा रहा है गेम का। वैसे आप बताओ Tekken 8 के लिए आप एक्साइटेड हो, कमेंट करके बताना। वैसे जिनके हाई एंड पीसीस हैं, कंसोल्स हैं, वही इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। अब तो पीसी वालों का भी इतना नहीं रहता है, पहले तो एक्सक्लूसिवली आएंगे कंसोल्स पे गेम्स, उसके बाद ही आएंगे बहुत टाइम बाद पीसी में। देख लो गॉड ऑफ वार को, देख लो स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड को, देख लो। गूगल दोस्तों एक ऑल टुगेदर कॉम्पैक्ट फ्लैक्सी फोन के ऊपर काम कर रहा है। अब वो पिक्सल सीरीज के अंदर में ही रहेगा, टेंशन मत लो, जिसका कोड नेम है नियाला। सब लोग तो कह रहे हैं ये गूगल पिक्सल 7a हो सकता है, मुझे भी यही लगता है, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। तो यारो आज एप्पल बाबू चुपके चुपके अपने एक फोल्डेबल फोन को पेटेंट करवा दिया है, और ये कोई नॉर्मल फोल्डेबल फोन नहीं है। ये जो फोल्डेबल फोन होगा ना, इसका डिस्प्ले सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। मतलब कि डिस्प्ले पे अगर कुछ स्क्रैचेस वगैरह आएंगे तो खुद ब खुद वो सही हो जाएगा। तो भाई एप्पल एक फोल्डेबल फोन को पेटेंट करवा लिया, सोच के देखो यार, मतलब काम चालू करने वाला है उसके ऊपर, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका प्राइस क्या होगा, 2,00,000 रुपए? 150 रुपया देगा। इंटेल बहुत ही जल्द अपने 13 जनरेशन के नए प्रोसेसर्स को अनवील करने वाला है। सब लोग तो कह रहे थे इस महीने के एंड में, नहीं तो अगले महीने में तो कर ही देगा। उसका बहुत बड़ा इवेंट होता है यार, हर साल में एक बार होता है। देख लो इसके पूरे की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, पूरे 13 जनरेशन के सारे प्रोसेसर्स के, i5, i7, i9। मुझे कमेंट करके बताना आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं अगर बताऊं तो i5 13 जनरेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। Vivo V25 आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 28,000 रुपए से शुरू होता है। और Vivo यार, तुम्हारे लिए मेरा एक क्वेश्चन, तुम Vivo V23 का सक्सेसर निकाले हो कि प्रीडिसेसर निकाल दिए? यहां पर स्पेसिफिकेशंस को डाउनग्रेड कर दियो यार, और रख दिए 28,000 रुपए प्राइस, मतलब कि बहुत बड़ा एहसान कर दिए, 30,000 रुपए नहीं रखे हैं, 28,000 रुपीस है। और भाई यहां पर कितने अच्छे अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं, लगता है OnePlus Nord 2T एक खराब फोन है। हां, कंपटीशन गया तेल लेने, हम तो अपने स्टाइल में फोन को लॉन्च करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। रुको रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Vivo X80 Lite के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। और तुम लोग पहले ही समझ गए होगे ये कौन सा महान फोन है। मुझे कमेंट करके तुम लोग बताना, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाईज भी देता हूँ। मुझे जानना है तुमको ये फोन कैसा लग रहा है। ये Vivo बाबू का कमाल है कि अपने एक सस्ते फोन को एक महंगे फ्लैगशिप सीरीज के अंदर में नाम लगाकर लॉन्च करना। भाई ये कौन सा फोन है यार, पता नहीं अपने को। मैं नाम नहीं लूंगा, तुम लोग कमेंट करके बताना। Vivo X80 Lite, भाई पता गया, नाम बड़े दर्शन छोटे। कुछ भी
Realme GT Neo 3T के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वैसे तो लाइव इमेजेस दिखाना एक बहाना था, मुझे तुम लोगों को ये बात बताना है कि Realme GT Neo 3T के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी ये 4 महीने पहले लॉन्च हुआ था, वीडियो बना दिया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब पता चल जाएगा। देखो ये जो डायलॉग है अपना बहुत पुराना है, Realme GT Neo 2 प्लस 80 वॉट चार्जर इक्वल्स Realme GT Neo 3T। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? टेक्नो कैमन 19 प्रो मॉन्डेरियन एडिशन आज लॉन्च हो चुका है और यकीन मानो यार ये फोन मेरा दिल जीत लिया। पूछो क्यों? क्यों पूछो? क्योंकि जब टेक्नो कैमन 19 प्रो लॉन्च हुआ था ना उसका 22-23 हजार रुपए के आसपास प्राइस था, मुझे जहां तक याद है ठीक से, मतलब कि 20 हजार रुपए से तो ऊपर ही था, लेकिन इसका जो प्राइस है 18 हजार रुपए है और ये भाई बहुत ही मस्त फोन है, जाके खरीद लो अगर तुम लोगों को 4G फोन खरीदने से कोई दिक्कत नहीं है तो। भाई 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यार, गिम्बल कैमरा स्टेबिलाइजेशन के साथ, 50 मेगापिक्सल भी दे रहा है इसमें तो कैमराज तो बवाल वाले, ऊपर से 18 हजार रुपए में बहुत अच्छा वैल्यू देता है। G96 बवाल प्रोसेसर है, लेकिन आजकल के टाइम पे ना बंदे क्या सोच रहे हैं, 18 हजार रुपए पे कर रहे हैं तो एक 5G फोन लेते हैं यार, अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है जाओ, बहुत अच्छा वैल्यू देता है। इसका तो बैक का कलर भी चेंज होता है, ले लो अच्छा है। ओप्पो बबुआ के फोन्स के स्टॉक्स अगर क्लियर नहीं होते हैं ना तो एडी चोटी का जोर लगा देता है, अपने एक ही फोन को अलग नामों के साथ लॉन्च करता है, नहीं तो उन्हीं फोन को वापस से लॉन्च कर देता है एस लगा के, नहीं तो वन प्लस को कहता है भाई तू रीब्रांड मार ले यार, स्टॉक्स पड़े हुए हैं अपने ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च कर ले। तो देख लो यार ओप्पो F21S 4G और 5G लॉन्च हो चुके हैं, सारे इनके डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं, दोनों बेस्ट हैं। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? तुरंत जाके खरीदने की कोशिश मत करना, बेकार फोन है, दूर रहना इनसे, ठीक है? बिल्कुल भी अच्छा आपको वैल्यू नहीं देते हैं। नथिंग ने आज ट्विटर में एक पोस्ट अपलोड किया जहां पर हम लोगों को इस बटरफ्लाई का फोटो दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक्सपर्ट्स कमेंट करके बोल देना कि ये कौन सा इंसेक्ट है, ठीक है? मुझे नाम नहीं पता है, अब बटरफ्लाई जैसा लग रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि नथिंग फोन 1 का एक नया कलर वर्जन आने वाला है, प्रॉब्ली उसका नाम सबलाइम हो सकता है क्योंकि सबलाइम ही यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे आप बताओ एक्साइटेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नथिंग एयर 1 का एक नया कलर आ जाए। मैं दोस्तों आपको परसों बताया था YouTube टेस्टिंग कर रहा है 5 एड्स के ऊपर, मतलब कि एक साथ आपको लगातार 5 एड्स देखने को मिलेंगे, नियॉन मैन भी अपने न्यूज में कवर किया था। लेकिन अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इकट्ठे 10 एड्स देखने को मिलेंगे वीडियोस के स्टार्टिंग में, तब आप क्या कहोगे, पागल हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, देख लो YouTube इसके ऊपर भी टेस्टिंग कर रहा है, आपको लगातार 10 एड्स देखने को मिलेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में। और YouTube कह रहा है जब 5 एड्स वाला बात बाहर निकल के आया तो YouTube कहा भी था ये बम्पर एड्स है, मतलब कि 3-4 सेकंड्स वाले होते हैं, आएंगे जाएंगे तुरंत आपको इतना फील नहीं होगा। लेकिन फिर भी एड्स तो एड्स होते हैं ना यार, 10 एड्स फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं अगर 3-4 सेकंड के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो। 5 एड्स में इंसान परेशान हो जाएगा भले वो 3-4 सेकंड के एड्स हो। वैसे आप कमेंट करके बताना आपके क्या रिएक्शंस है यार। जैसा कि दोस्तों आपके भाई ने कहा था, आज कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल का प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में जाओ जल्दी से प्री रजिस्टर कर लो, सबसे पहले गेम खेलने का मौका मिलेगा, अगले महीने ये लॉन्च हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप वैलोरेंट गेम के बारे में कुछ जानते हो या फिर आप वैलोरेंट गेम को खेले हो। देखो यारों अगर आपको नहीं पता है तो वैलोरेंट गेम के अंदर में एक नया एजेंट आने वाला है और वो इंडिया से बिलोंग करेगा, एक इंडियन एजेंट। आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आपको मैं ट्विटर पे दिखा दूंगा, वैलोरेंट ने इसको कंफर्म भी किया है, देख लो पोस्ट में आपको एक नटराज पेंसिल दिखाई देगा, एक चाय का कप भी है, स्नैक्स भी है, तो कंफर्म हो जाता है भाई। और एक फोटो भी बाहर निकल के आया, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यार। इसको लेकर कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आईक्यू चाइना के जो हेड है वो आज ऑफिशियली वीवो पे कंफर्म कर दिए हैं कि आईक्यू 11 सीरीज के फोन्स और आईक्यू नियो 7 सीरीज के फोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। मुझे जहां तक पता चला है अगले महीने आईक्यू नियो 7 सीरीज के फोन्स चाइना में डेब्यू कर जाएंगे और आईक्यू 11 सीरीज के फोन्स आपको नवंबर एंड तक दिखाई देंगे जब वन प्लस के नए नए फ्लैक्सी फोन्स आएंगे उनसे भिड़ने के लिए। दिल से बुरा लगता है यार। इससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट करके पूछो, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं आईक्यू 11 सीरीज के फोन्स रूमर्स ऐसे हैं कि इसी साल के एंड तक इंडिया में डेब्यू कर जाएंगे, रूमर्स ऐसे ही आ रहे हैं। और रहा सवाल नियो 7 सीरीज के फोन्स, तो उनके चांसेस कुछ कुछ ऐसे हैं यार कि वो आपको अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई देंगे इंडिया में। लेकिन कुछ कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि अगले महीने जब अक्टूबर में नियो 7 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो जाएंगे तब चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि उनमें से कोई एक फोन तुरंत इंडिया में आईक्यू लॉन्च कर दे।
आईक्यू पे निर्भर करता है। सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के फोन्स को लेकर एक अपडेट आया है। हाँ, मैं फ्यूचर का बात कर रहा हूँ। देखो यारो, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन बाहर निकल गए हैं कि सैमसंग प्लानिंग कर रहा है जब वो अपने S25 सीरीज के फोन को लॉन्च करेगा ना, तो उनमें आपको कोई भी फिजिकल बटन वो नहीं देगा, मतलब कि वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन ये सब देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, 2020-21 में मीजू वीवो के कॉन्सेप्ट फोन आए थे जहाँ पर फिजिकल बटन नहीं था, तो भाई पॉसिबल हो सकता है। वैसे तो 2024-25 तक हम लोगों को ऐसे ऐसे फोन देखने को मिलेंगे ना जो हम लोगों के दिमाग से एकदम परे होंगे। देख लो, एप्पल कोई पोर्टलेस आईफोन बनाने की तैयारी कर रहा है, मतलब कि कोई पोर्ट होगा ही नहीं। इस बार सिम ट्रे निकाल दिया, अगली बारी चार्जिंग पोर्ट ही निकाल देगा। वायरलेसली चार्ज करो ना। Xiaomi 20 Pro, Xiaomi Buds 4 Pro और Redmi Pad, ये सारे प्रोडक्ट्स का लॉन्च इवेंट डेट हम लोगों को अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। इस महीने के एंड तक ये सारे फोन्स और प्रोडक्ट्स ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे और अक्टूबर तक हम लोगों को इंडिया में दिखाई दे देंगे। Honor X40 5G आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। देख लो सारे स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा फोन है, खास के कर्व डिस्प्ले है तो देखने में और अच्छा लग रहा है, और कैमरा हाउसिंग भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन सैडली ये फोन इंडिया में नहीं आएगा, Honor अपने फोन को इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहा है। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.